नमस्कार साथियों, नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप किसी भी राज्य के कर्मचारी हों, केंद्र के हों या राज्य के हों, पेंशनर हों या शिक्षक हों, यह जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, जरूर देखें। पेंशन प्रणालियों की विसंगति खत्म को लेकर आई बड़ी खबर। एक देश एक विधान एक पेंशन प्रणाली, यानी कि एक और कर्मचारियों को आप NPS दे रहे हैं और खुद OPS ले रहे हैं। NPS जब उनको दे रहे हैं तो आप उनको अच्छी बता रहे हैं, अगर अच्छी है तो पहले आप खुद अपनाएं। बड़ी खबर है, जानेंगे हम इस पर। अगर सरकार को वित्तीय बोझ की चिंता है तो फिर MP MLA के लिए भी एक देश एक पेंशन की बात क्यों नहीं हो रही। पिछले दिनों केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सरकारी कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी कि NPS में सुधार के लिए एक समिति गठन की घोषणा की। ज्ञात हो कि केंद्र सरकार ने वर्ष 2004 में वित्तीय बोझ को ध्यान में रखते हुए पुरानी पेंशन प्रणाली यानी OPS को ख़त्म कर दिया था, इसकी जगह पर NPS लाई थी। अब देश में फिर से OPS लागू करने की मांग उठ रही है। इसे देखते हुए विपक्षी दलों द्वारा शासित कुछ राज्यों में छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, पंजाब और हिमाचल प्रदेश ने OPS को अपना लिया है और वही अन्य कई राज्यों ने भी इस पर विचार करने के लिए समितियाँ बनाई हैं। अब सबकी नज़रें उनकी रिपोर्ट पर टिकी हैं क्योंकि माना जा रहा है कि आगे का फैसला उन्हीं की सिफारिशों के आधार पर होगा। हालांकि इस बीच का यह सवाल किया जा रहा है कि अगर सरकारों को वित्तीय बोझ की इतनी ही चिंता है तो फिर सांसदों और विधायकों के लिए भी एक देश एक पेंशन की बात क्यों नहीं कर रही है। सरकार जनप्रतिनिधियों को NPS के फायदे क्यों नहीं समझा पा रही है। जनसेवा के लिए खुद से आगे आए ये नीति नियंता एक दिन की भी जनसेवा की कीमत आजीवन वसूल रहे हैं। वहीं सरकारी विभागों में अपना पूरा जीवन खपा देने वाले व्यक्ति का 10% वेतन कटौती के बाद भी बुढ़ापा असुरक्षित है। आमतौर पर कोई भी नेता जितनी बार MP MLA बनता है उसका पेंशन उसी हिसाब से बढ़ता जाता है। साथ ही यदि कोई नेता विधायक और बारी बारी से लोकसभा राज्यसभा सदस्य यानी तीनों रह चुका है तो उसे तीनों की पेंशन मिलती है। जिस देश में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दिया जा रहा हो, वहाँ क्या ऐसी जनता के प्रतिनिधियों को राजा की तरह रहना चाहिए। करीब 85% सांसद करोड़पति हैं और यही माननीय महज 600 रुपये की सामाजिक सुरक्षा पेंशन से जनता के गुजारे की बात करते हैं और NPS को ज़्यादा अच्छा बताते हैं। सांसदों को वर्ष 1976 में 300 रुपये प्रति माह मिलने वाली मूल पेंशन वर्ष 2018 में 25,000 रुपये अन्य भत्ते अलग से प्रतिमाह कर दी गई। इसके अलावा एक सांसद के निधन होने की स्थिति में उसके पति या पत्नी के लिए फैमिली पेंशन की अलग से व्यवस्था है। प्राविधान तो यह भी है कि हर 5 साल पर सांसदों के वेतन एवं पेंशन में संशोधन किया जाएगा। लगभग 2600 पूर्व सांसदों आश्रितों को फैमिली पेंशन मिल रही है जिस पर लगभग 200 करोड़ रुपए हर साल खर्च हो रहे हैं। एक RTI से मिले जवाब के मुताबिक हर साल प्रत्येक सांसद को वेतन और भत्ते के रूप में औसतन 30 लाख रुपये का भुगतान किया जा रहा है। 20 राज्य तो ऐसे हैं जो अपने पूर्व विधायकों को किसी सांसद से ज़्यादा पेंशन देते हैं। आज मणिपुर में एक पूर्व विधायक को प्रतिमाह 70,000 रुपये की मूल पेंशन मिलती है। इसमें अन्य भत्ते जोड़ने के बाद पेंशन की राशि 2 से 3 गुना बढ़ जाती है। ऐसे में कई पूर्व सांसदों विधायकों को भी पेंशन दिया जा रहा है जिनका कार्यकाल कुछ समय के लिए था। उदाहरण के लिए आंध्र प्रदेश की मुमिद्रव विधानसभा सीट पर साल 1994 से 1998 के बीच 3 विधायक रहे। सबसे पहले यहाँ से कांग्रेस के भी B Subbaraw जीते थे। 2 साल बाद उपचुनाव हुआ और तेलुगु देशम पार्टी के GMC बाला योगी विधायक बने। बाद में यह लोकसभा स्पीकर बन गए और फिर से हुए उपचुनाव में विवेकानंद विधायक चुने गए। इस तरह एक सीट और एक ही कार्यकाल के लिए तीनों विधायकों को पेंशन मिली। हर साल उत्तर प्रदेश 100 करोड़, हरियाणा 35 करोड़, राजस्थान 40 करोड़, महाराष्ट्र 80 करोड़ और बिहार 60 करोड़ रुपये अपने पूर्व विधायकों को पेंशन और अन्य भत्तों पर खर्च कर रहे हैं। अब समय आ गया है कि पेंशन प्रणाली को लेकर सरकार अपनी मानसिकता बदले। भले OPS लागू ना हो पर NPS की विसंगति को दूर तो किया ही जा सकता है। वास्तव में NPS उन लोगों के लिए लाया गया था जो 21 से 25 वर्ष की आयु में नौकरी में शामिल होते हैं, उन्हें 35 से 40 वर्षों के लिए पेंशन फंड में योगदान करते हैं। आज ज़्यादातर लोगों को नौकरी देर से मिल रही है। संविदा पर भर्ती हुए कर्मचारियों से अधिक उम्र पर नियमित होने के कारण भी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति महज 10 से 15 वर्षों में हो ही रही है। कई बार NPS अकाउंट खुलने में ही वर्षों लग जाते हैं। फिर इस अवधि में ना तो कर्मचारी योगदान कर पाता है और ना ही नियोक्ता। लिहाजा प्रतिमाह 2 लाख रुपये वेतन पाने वाले लोगों को पेंशन 5 से 10 हज़ार रुपये प्रतिमाह तक ही बन रही है जिससे वे अपने मासिक बिजली बिल का भुगतान एवं दवा का खर्चा नहीं निकाल पा रहे हैं। NPS को लेकर कर्मचारियों की आशंका अब सच साबित होती दिख रही है। सरकार के लिए 20 से 35 वर्ष तक अपने
करने वाले कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद बुढ़ापे के समय में बाजार के भरोसे छोड़ देना कहाँ तक उचित है? क्या माननीयों द्वारा जनता के पैसे से पेंशन लेना संविधान के अनुच्छेद 14 यानी कि समानता के अधिकार और अनुच्छेद 106 का उल्लंघन नहीं है? ऐसी विसंगतियों क्यों एक व्यक्ति एक वेतन एक पेंशन का नियम माननीयों पर क्यों नहीं लागू होना चाहिए? सरकार बार बार अपील करती है कि सक्षम होने पर आम लोग गैस सब्सिडी समेत कई तरह की सब्सिडी स्वेच्छा से छोड़ दें, पर बड़ा सवाल यह कि पूर्व सांसद और विधायक जो सक्षम हैं और अपनी पेंशन कब छोड़ेंगे? तो दोस्तों बड़ी विडम्बना है नेताओं को OPS और कर्मचारियों को NPS। इस पर अपने विचार लिखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।